हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि एक इमेज में इस तरह का स्प्लैश इफेक्ट हम कैसे ऐड कर सकते हैं पिक्सआर्ट ऐप को यूज़ करके। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के एडिटिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं एडिटिंग से रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करेंगे। इसके बाद हम पिक कैनवस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने एक 1600x1200 साइज़ का वाइट बैकग्राउंड चूज़ किया है। आप अपनी इमेज के हिसाब से कोई भी साइज़ का बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे और मेन सब्जेक्ट की जो इमेज है उसको हम ऐड करेंगे। मैं इसे थोड़ा सा क्रॉप कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, इतना ठीक है। आप अपने हिसाब से अपनी इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इमेज को बैकग्राउंड पर सेट करेंगे। मैं इसे थोड़ा जूम कर रहा हूँ, इतना ठीक है, यहाँ पे ये ठीक लग रहा है। इसके बाद हम ब्रश के लिए वाइट कलर सिलेक्ट करेंगे। ब्रश के साइज़ को एडजस्ट करके इमेज के बैकग्राउंड पर पेंट करेंगे। मेन सब्जेक्ट को छोड़कर पूरे बैकग्राउंड पर हमें वाइट कलर को से पेंट करना है कुछ इस तरह से। ओके पर क्लिक करेंगे और एडिट इमेज को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इफेक्ट्स टैब में जाकर स्केचर वन इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ मैंने मास वन को बढ़ाकर 94% पर सेट किया है। गाइज, यहाँ पर इमेज में जो सब्जेक्ट है उसकी कैप और उसकी बियर्ड थोड़ी वाइट ज़्यादा हो गई है, तो हम ड्रॉ में जाकर ब्लैक कलर से पेंट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। शर्ट को भी ब्लैक कलर से पेंट कर लेते हैं। गाइज, इमेज में ब्लैक जितना ज़्यादा होगा उतनी ही अच्छी हमारी फाइनल इमेज हो जाएगी। ब्रश साइज़ को सिलेक्ट करके हम उसके ग्लासेस पर भी पेंट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम बियर्ड को भी थोड़ा शेप दे देते हैं। गाइज, ये स्टेप्स इमेज टू इमेज वेरी करते हैं। अलग अलग इमेजेस के अलग अलग चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लेयर ऑप्शन को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं। एक एम्प्टी लेयर यहाँ पे हम ऐड करेंगे और ऐड फोटो करके स्प्लैश इमेज को ऐड कर लेते हैं। ब्लेंड मोड को हम लाइटन पर सेट करेंगे और स्प्लैश इमेज को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। लेयर में जाके इसको दोबारा मर्ज करेंगे और एक एम्प्टी लेयर दोबारा ऐड करेंगे। मैं इसमें स्प्लैश इमेज को एक बार फिर से ऐड कर रहा हूँ। इस बार हम ब्लेंड मोड को डार्कन पर सेट करेंगे और स्प्लैश इमेज को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। गाइज, अब हम इरेजर की हेल्प से एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इतना मुझे ठीक लग रहा है। अब इफेक्ट्स में जाकर लोमो इफेक्ट को चूज करेंगे। अमाउंट को 0% सेट करेंगे और हम इसके बाद विनियट को भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। गाइस, हमारी इमेज अब रेडी हो गई है और हम इसे सेव कर लेते हैं। तो गाइज, आई होप ये इमेज एडिटिंग स्टाइल आपको पसंद आया होगा। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप चाहें तो मुझे नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।